हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको देखिए, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से मैं रागा से मैंने आपकी ये देखिए और भी क्वेश्चन, चिंता अभी भाग ना जाना। देखिए टोटल आपकी 12 नॉट पर क्वेश्चन है और लास्ट में थोड़े मैंने मैथ के भी क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट लॉस से ले लिए और थोड़े ये क्वेश्चन आपके ले लिए, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से थोड़े। तो ये आपके थोड़ा ये आपके परसेंटेज वाला भी एक क्वेश्चन है या ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो अब इसको भी तुरंत उड़ा देंगे। और ये देखिए, ये मेरे कहने का मतलब है कि आपका 21 से 50 नंबर के बीच, मतलब 21 से 50 रागा आता, मतलब 30 क्वेश्चन का रागा आता, जिसमें आपके जो 46 से 50 के बीच में मतलब 5 नंबर के आपकी नॉन वर्बल क्वेश्चन आते हैं। ये आपका दोस्तों फिक्स नॉन वर्बल, मतलब ये नॉन वर्बल आज के 5 नंबर के डायग्राम वाले फिक्स आते हैं, ठीक है। तो अब इसको स्कोर करना आपको जरूरी, 5 में 5 करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहाँ पेपर में। लेकिन यहाँ मैंने 12 लिए हैं और रागा के पेपर से काट के लिए, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप यहाँ प्रूफ देख लीजिए, 50 नंबर तक आती रागा अभ्यास पेपर सेट भी है ये आपका, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं कराता मैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मैथ को थोड़ा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, मैं आपसे बात ये कहना चाहता हूँ, आपको हो सके पेपर में 3 मिनट में 5 खत्म कर देना नॉर्मल पेपर, क्योंकि नॉर्मल पेपर 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके 3 सरल होंगे, 2 कठिन होंगे। जो 2 कठिन है वो सबके भी गलत होते हैं और सबके जिसके सही हो जाते हैं उनका मतलब समझ सकते हैं, आगे निकल जाते हैं वो, तो आपके पूरे सही। चलो तो देखते हैं जरा इसमें क्या लिखा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, देखिए देखिए इसमें देखो कैसे उड़ाना आपको। देखिए इसको देखो भाई, ऐसे लिखा है तो इसको उल्टा किया गया, पूरा इसको पूरा घुमा दिया गया, चित्र को पूरा मतलब उल्टा कर दिया गया है। अब इसको भी पूरा उल्टा कर देंगे तो ये आपका ये जो 20 का ये दिखाई दे रहा है ये राइट है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, ये भी है। अब ये किनारे का आपका भरा हुआ है ये तो है नहीं, ये आपका राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी है तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। अब थोड़ा शायद कम समझ में आया होगा, सिंपल उल्टा करना पड़ा था। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन भाई जरूर पूछे आते हैं, आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ टेंशन वैसे आपको दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर बहुत टाइम भी लग जाता होगा। भाई देखो इसको नीचे ला दिया गया, इसको नीचे ला दो, प्लस इसमें 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 नहीं इसमें नहीं, बात खत्म। एलिमिनेट करना सीखिए तभी आप सब कुछ सही कर लेंगे, ये होगा या तो फिर, ठीक है। अब भाई देखो ये गोला इधर ले आए, ये तीर आपका इधर आ जाएगा, तीर आपका इधर है, चलो दोनों ऑप्शन में फिर तो चलो कोई बात नहीं। अब भाई ये कि ये गोला है जो आपका, ये गोला आपका उठ के इधर आ गया, ये त्रिभुज आपका उठ के यहाँ आ जाएगी, ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया देखो इसको क्या, थोड़ा देखिए बिमेल आपको आकृति ज्ञात करनी, चारों ऑप्शन को देखिए और इसमें अलग आकृति है, असंगत आकृति लिख के आएगा, या तो फिर देखो इसको ऐसे करना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें भाई देखो मैथ के भी क्वेश्चन है लास्ट में, तो थोड़ा देख लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन है और एक परसेंटेज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और थोड़ा एक और वो बता देंगे, टाइम्स वर्क वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी बता देंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। देखिए भाई ये जो ऐसे बना है ना, उसकी आगे तीर है, उसके आगे तीर है, देख रहे हैं आप, लेकिन इसमें क्या है, इसके पीछे तीर लगा दिए गए। आप खुद समझ आई, इसके आगे तीर है, इसके आगे तीर है, इसके आगे तीर, इसमें तो पीछे तीर, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, बेमेल था। अब इसको देखें क्या होगा, ये थोड़ा आपसे गलत भी हो सकता है। देखो ये मतलब कोई भी आकृति दी गई उसकी आधी आधी कर दी गई है, ये आपकी देखिए रुकिएगा, ये आधी कर दी गई, 50-50 कर दी गई सब, तो ये आपका देख रहे हैं, ये आपका ऐसे होता तो ठीक था, आधा आधा होता, पर ये कि ये देखिए ये भी आपका आधा आधा तो है ना, ये बीच में भी और लाइन लगा दी गई फालतू की, तो बेमेल करना तो इसीलिए, ठीक है। अब इसको देखो कैसे उड़ाते हैं, ये जो है ये यहाँ आ गया, समझ रहे हैं, और तीसरी आकृति में ये यहाँ आ गया और चौथी आकृति में यहाँ आना चाहिए बल्कि, तो ये इसमें दे दिया गया, यहाँ ज़्यादा बढ़ा दिया गया, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, ये जो तीर है ये यहाँ दे दिया गया, अब तीसरी आकृति में यहाँ दे दिए, तो चौथी में यहाँ देना चाहिए था, तो ये कहाँ यहाँ लगा, डी ऑप्शन है, लगा दिया, गलत चीज़ें हैं ये सब। अगला देखते हैं, देखो भाई इसमें को इसको भी धमाकेदार उड़ाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई ये ऐसे बना था, ये ऐसे कर दिया गया, ये ऐसे है तो ये ऐसे, मतलब सेम टू सेम उल्टा होगा, ये तो होगा नहीं, और ये तो होने से नहीं रहा, क्योंकि ऐसे करना है ना, क्योंकि ऐसे आपको करना है थोड़ा ऐसे टाइप का, ठीक है। चलिए तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, राइट ऑप्शन आपका यही है, ठीक है। कैसा बना है? इसमें देख रहे हैं कि ये आपको 45 में आ गए, सब 45 डिग्री में आ गए, ठीक है, 45। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये होता उत्तर, ये होता दक्षिण, ये होता पश्चिम, ये होता पूर्व, ये सब आपके मध्य की दूरियां आ गई, ठीक है। अब भी भाई ये भी ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, ये भी ऐसा, तो ये जो तीर है ना वो ऐसे चला गया, मतलब ये 45 डिग्री पे बन गया, ये भी 45 डिग्री बन गया, ये भी 45 डिग्री पे, ये सब बन गए, देख रहे होंगे, तो इसको 45 डिग्री पर जब घुमाएंगे तो ये ऐसे तीर बनेगा। अब मान लीजिए ऐसे कोई तीर है तो 45 डिग्री पर ऐसे तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, मान लीजिए इसको केवल देख के, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब इसमें तो दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ये दो ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट होगा, ये भी ऐसे समझ लीजिए, एक लाइन थी तो दो लाइन है, एक लाइन थी तो दो लाइन वाले बनेंगे। संख्या एक्स मान लीजिए, दूसरी एक्स प्लस वन होती, तीसरी संख्या तो हमने एक्स प्लस वन मानी थी, ठीक है,
एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, प्राकृत संख्या हमेशा एक दो तीन चार ऐसे चलती रहती है, ठीक है। पहली पर एक्स मानते हैं, बीच वाली संख्या एक्स प्लस वन है, मतलब 28 एक्स की वैल्यू थी, 28 प्लस वन आपका 29 होता है, ये आपको पता होगा, राइट ऑप्शन है। अब इन्होंने क्या कहा कि एक घड़ी को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही, तो भाई मतलब 1200 में बेचने में उसे कितने परसेंट की हानि अथवा लाभ होगी, पता नहीं हानि हो कि लाभ होगा, ठीक है। अब ये कि 900 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है, अब ये कहा कि हानि हुई है तो मतलब कोई भी चीज़ 100% उसमें हानि हो रही 10% की, तो 90 बचा, 100% से हमेशा करते हैं सब, ठीक है। तो भैया 90 की वैल्यू 900 दी, 0 0 काटो, 9 दामा 90 होता, मतलब 1 की वैल्यू 10 दी गई, हमेशा 100% के साथ निकालते हैं, तो 100 × 1 की वैल्यू 10 है, तो 100 की वैल्यू 1000 नहीं हो जाएगी, 100 × 10 1000 हो गया, ठीक है। चलो अब कोई चीज़ आपकी 1000 है, ठीक है, अब ये कि 1000 है, अब उसको वही चीज़ को 1200 में बेच रहा है, अब 1000 की तो वस्तु निकल गई, मान लो आपने 1000 की चीज़ बेच दी और 1200 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो आपको लाभ हुआ कि नहीं 200 का, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 1200 माइनस का आप करेंगे 1000, तो मतलब आपको 200 का लाभ हो गया, ठीक है, यहाँ पे लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत भी पूछा है ना, तो लाभ कितने प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इसलिए लगा रहा क्योंकि लाभ हुआ, ठीक है, 1000 का तो निकला था इधर, लेकिन 1200 में बेच रहा, तो 2% का 200 का लाभ, वो 200 बट्टे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 1000 है गुणे में 100, 2 × 5 = 10 = 20, 20% लाभ हो गया भाई, ठीक है। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में और 10% विद्यार्थी दोनों से फेल होते हैं, भैया देखो 30 दे दिया और दोनों में भी फेल कर देते, तो बड़ा बवाल रहता होगा, आपको लगता होगा कठिन, पर सिंपल है, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी की संख्या, ये सब तो फेल वेल की दी गई थी, पास की पूछी गई। अब देखो भैया, देखो ये भैया बना देते हैं हमें आपको इंग्लिश का, ये बना देते हैं आपको हिंदी का, ये दोनों आपका है भैया, दोनों फेल हो गए 10%, इंग्लिश के लिए 3 का आता और हिंदी के लिए 20 का आता। अब देखो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, भैया के 30 की जगह 40 लिखा होगा, तरीका यही है पर, ठीक है भैया, ये 10 दिया ये 20 दिया, अब ये हिंदी है, ठीक है, ये इंग्लिश है। अब ये कि ये 30 जो ये 30 का गोला तो इतना था पूरा, क्यों 30 का गोला तो पूरा इतना था, जिसमें आपका 10 भी तो फंसा पड़ा है, तो 30 - 10 करोगे कि नहीं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए केवल कितने परसेंट, 20% लोग फेल होगा कि नहीं। अब भैया ये हिंदी का है, हिंदी का पूरा गोला भी तो इसमें फंसा हुआ है, तो 20 में से ये तो बीच वाला तो 10 था, तो 20 - 10 नहीं करोगे, तो 10% इंग्लिश हिंदी में फेल होगा, ये बीच का तो 20 बचा रहा है 10%, मतलब 20 - 10 = 30 = 40, इन सबको तीनों को जोड़ लिया, इसलिए जोड़ लिया क्योंकि पता कर ले रहे हैं भैया कि कितने टोटल फेल हो गए, तो भैया 20 - 10 = 30 = 40, 40% लोग फेल हो गए। पूछा गया तो दोनों मतलब पूछा गया तो पास विद्यार्थी 100 में 40 घटाइए, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 होता है, 100 में 40 घटाएंगे 60% आएगा, राइट ऑप्शन है। देखिए समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि इसका पूरा गोला इसमें भी तो फंसा था, तो ये तो पूरा आपका 30 था जो पहले गोला था, अब ये भी तो 10 है जो बीच का है, तो इसको 30 में 10 घटाएंगे तभी तो फिर चलेगा कि इंग्लिश में इतने भैया फेलते हैं, ठीक है समझ में आ गया। 320 आम है, 400 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ पैसा था, लाभ की लाभ है मतलब कि, तो 400 में 320 घटाएंगे तो 80 बचा, और अकाउंट में क्रय मूल्य पूरे में 8 × 32 होता है, 25 × 100 होता है, 400 से 100 काटेंगे 25 चक्कर, ठीक है। चलो तो ये कि लाभ प्रतिशत देखिए, अब ये कि 400 में ही क्यों घटाया भैया, लाभ हुआ था ना, तभी तो बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाई तभी तो लाभ होगा, 400 रुपये में आम खरीदे थे उसने 300 बेचे बेच दिया, मतलब लाभ हो गया, तभी तो लाभ प्रतिशत देखिए इसमें कह दिया गया ना, लाभ प्रतिशत निकाली, तो मतलब ये कि लाभ हुआ होगा, तो इसलिए 400 रुपये में बेचा और 300 रुपये, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य 100 था, क्रय मूल्य आपका 320 था, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ 400 में 320 की चीज़ बेचेंगे तो 80 का लाभ हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 320 है, ठीक है भाई। मान लो 320 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 400 रुपये में बेच रहे तो क्या हो रहा है आपका, 320 में खरीदे 400 में बेच दिए तो 80% का लाभ नहीं हो गया, तो लाभ बराबर लाभ परसेंटेज होता है लाभ बट्टे में, लाभ 80 को बट्टे क्रय मूल्य आपका 320 है गुणे 100, 832 होता है, 25 × 100 होता है, चलो डाल 425 को दे दे भैया। ये क्या लिखा, लकड़ी कुर्सी बीज पौधा, अब बता भाई क्या होगा, क्या लिखा, निम्न के शब्दों को सार्थक क्रम में लिखने पर अंतिम शब्द क्या होगा, सार्थक क्रम में लिखने पर, अच्छा अब बताइए क्या होगा, तो ऐसे राइट ऑप्शन आपका कुर्सी हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपके वो हो जाएंगे अलग, ये आपके कुर्सी राइट ऑप्शन है। चलो अगला दिया गया है, देखो क्या लिखा है कि सबसे ये इसमें मतलब इसमें ये लिखना था, पहले बीज आता है सी ऑप्शन पहले आएगा, फिर पौधा आता है, फिर लकड़ी होती तभी तो कुर्सी बनाते हैं लकड़ी की, कुर्सी की लकड़ी बनती है, लकड़ी कुर्सी बनाते बी ऑप्शन बाद में आएगा कि नहीं। और भैया ये क्या है 48 16 2, इसको देखो मैं पहले ही बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा फालतू क्वेश्चन आता है पेपर में, बिल्कुल आपका 3-4 मिनट लेने आएगा, बिल्कुल टाइम बर्बाद करा के चला जाएगा, अपना एक नंबर ले लेगा कि हाँ एक नंबर आपको मिल जाए, खुश हो जाएंगे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन छुड़वा देगा ये। तो भैया देखो इसको करने का तरीका बताते हैं अभी,
देखो 48 दिया, ये आपको पेपर नोट थोड़ी नहीं करना है, ये आपको कंप्यूटर में स्क्रीन में ऐसे लिख के आ गया ऐसा क्वेश्चन, लेकिन डिजिट चेंज होंगी। देखो 48 लिखा होगा और भैया प्लस का 16 भागे 2 गुड़े 8। अब भैया देखो प्लस करते क्या, जल्दी से भाग दिया, चलो 16 चको ए सोलह, चलो बाद में इसको हल कर लेंगे। अब भाग करते क्या, भाग करते गुड़ा, गुड़ा का 2, गुड़े करते क्या, गुड़े करते प्लस, प्लस का 8 हो गया। अब भैया देखो क्या होता है, 16 तीन 48 होता है ना, चलो अब ये 3 गुड़े 2 प्लस 8, 3 दूनी 6 8 6 14 आएगा। अब ये बताइए ज़रा, एक मिनट रुकिएगा, हमने गुड़ा भाग को पहले किया, ये आपको थोड़ा आना चाहिए, ठीक है, अब बता देते हैं आप। चलो देखो सबसे पहली बात तो ये रूल होता है बॉड, इसको बॉड मास का सवाल कह सकते हो। बॉड मास का रूल ये होता है भैया कि पहले तुम भाग करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ करोगे, घटाना करोगे, तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर भाग गुणा पहले कर दो, भाग कर दोगे तो नहीं कर पाओगे, और जो पहले घटाना जोड़ कर दो तो ना, पहले भाग होता है फिर गुणा होता है दोस्तों, फिर जोड़ फिर घटाना, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा भाई।